नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को बारबाडोस में दूसरा वनडे मैच कोविड-19 के पॉजिटिव मामले के चलते निलंबित कर दिया गया। इस मामले की पुष्टि पहले गेंद फेंके जाने से ठीक कुछ मिनट पहले हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मैच टॉस के बाद कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया गया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये मैच कब खेला जाएगा। मेजबान वेस्टइंडीज और मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए टॉस होने के बाद खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और मैच अधिकारियों को इस मामले के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद दोनों टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चली गईं। मैच को उसी समय निलंबित कर दिया गया और माना जा रहा है कि सभी खिलाड़ियों को बायो बबल के अंदर ही आइसोलेशन में रखा गया है। मैच निलंबित होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलेक्स कैरी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने विस एगर की जगह तेज गेंदबाज रिले को वनडे पदार्पण का मौका दिया, जिन्हें चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे नियमित कप्तान एरोन फिंच ने टॉस के बाद पदार्पण कैप सौंपी थी। हालांकि एरोन फिंच भी पूरी तरह ठीक नहीं थे और ऐसे में दूसरे वनडे मैच में भी नहीं उतर सके, जो कि बाद में स्थगित हो गया। बता दें, मेजबान वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस बात की सूचना नहीं दी है कि सीरीज के तीसरे मैच का क्या होगा और क्या दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा, और अगर खेला जाएगा तो फिर इसका आयोजन कब होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम को बांग्लादेश के दौरे पर भी जाना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।